आज मैंने बनाए हैं ये गुलाब जामुन, और इस गुलाब जामुन की रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ। ये वही रेसिपी है, पुरानी रेसिपी जो मेरी मम्मी ने मुझे सिखाई थी, और ये बनाए हुए हैं मावा से। आजकल तो तरह तरह के गुलाब जामुन बनते हैं, कोई सूजी से बना रहा है, कोई ब्रेड से बना रहा है, पर जो मावे से बने हुए गुलाब जामुन हैं उनका जो टेस्ट है उसका कोई भी कंपटीशन नहीं है। देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं, और मैंने बहुत छोटे साइज में बनाए हैं, तो ये बहुत अच्छे लगते हैं, आप ज़रूर इसे ट्राई करें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने मावा लिया है, ये मावा 500 ग्राम के करीब है और बहुत सॉफ्ट मावा है, तो इसको हम थोड़ा सा अच्छे से मसलेंगे अपने हाथ से, और इसके जो ग्रेन्स होते हैं अंदर उनको हमको रिमूव करना है। थोड़ा इसको अच्छे से मसल के और अब मैं डाल रही हूँ इसमें मैदा। ये मैदा मैंने 125 ग्राम के करीब डाला है इसमें, तो आप इसी रेशियो को फॉलो कीजिएगा। और अब हम डालेंगे इसमें बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर 1/4 टीस्पून ही डालना है, और इससे जो हमारे गुलाब जामुन हैं वो बहुत सॉफ्ट बनते हैं। तो अच्छे से इन तीनों को मिक्स करते हैं। बहुत इसमें थोड़ा सा हमें टाइम देना पड़ता है, एक्चुअली कम से कम 5 से 10 मिनट तो करीब मिक्स करना ही चाहिए, ताकि अच्छे से रच बस जाएं आपस में और एक अच्छा सा सॉफ्ट सा डो तैयार हो। सॉफ्ट होना बहुत ज़रूरी है, जो हम ये बना रहे हैं मिक्सचर, अगर ये सॉफ्ट नहीं होगा, हार्ड होगा, तो हमारे गुलाब जामुन भी हार्ड बनेंगे। तो हमें ये देखना है कि ये सॉफ्ट हो, और इसी के लिए कोशिश करनी है। अगर ये मावा सॉफ्ट होगा आपका, तो ऑब्वियसली गुलाब जामुन भी सॉफ्ट बनेंगे। अगर मावा हार्ड होगा, तो आप थोड़ा कम मैदा ऐड करें इसमें, ताकि ये हार्ड ना हो। तो ये आपको चेक करना है, मैं आपको अभी इसमें दिखाऊंगी कि आप कैसे चेक कर सकते हैं। इसे अच्छे से मसल के एक बार हम चेक करेंगे कि ये कितना सॉफ्ट है। ये देखिए, इस तरह से ना आपकी उंगली अच्छे से अंदर चली जानी चाहिए और बहुत सॉफ्ट फील होना चाहिए। और आप जब ये गोल सा इसका बॉल बनाते हैं, तो थोड़ा क्रैक्स कम हो इसमें, ये कोशिश कीजिएगा। अगर अगर आपको अभी लग रहा है इसमें क्रैक्स हैं, तो थोड़ा सा और इसको मसल लीजिए, थोड़ा टाइम और दे दीजिए इसे, क्योंकि हमें गुलाब जामुन सॉफ्ट चाहिए, तो थोड़ा मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी। अब मैं इनको रेडी कर रही हूँ, इस तरह से एक रोल बना लेते हैं, जो हमारा आटा रेडी हुआ है पूरा दो। और अब इसको हम कट करेंगे, कट इसलिए करते हैं ताकि इक्वल डिस्टेंस मिल जाए हमको, और हमारी जो बॉल्स हैं वो एक ही बार में अप्रॉक्सीमेटली इक्वल साइज़ की बने, वरना ऐसा रहता है कि बॉल्स अलग अलग साइज़ की बन जाती है। बॉल्स बनाना शुरू करते हैं। और अभी ये मेरी बाउल्स रेडी हो गई हैं, तो अब चलते हैं चाशनी बनाने की तरफ। यहाँ मैंने एक बाउल चीनी का लिया है, ये करीब आधा किलो चीनी होगी, और 3/4 बाउल मैं डाल रही हूँ इसमें पानी। तो मीन्स जितनी आपकी चीनी है, उतना आप उससे आधा पानी या उससे आधे से थोड़ा सा ज़्यादा, 3/4 के करीब आप इसमें डाल दीजिए। और ये चाशनी
जो है ये अच्छी क्वांटिटी में होगी तो आपके गुलाब जामुन अच्छे से अंदर डूब जाएंगे और रस को ले लेंगे। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें इलायची पाउडर, तो इलायची को छील के पीस कर इसका जो पाउडर अंदर का जो बीज होता है उसको पीस कर आप उसमें डाल दीजिए और इसे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, इलायची को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। और अब हम इसको वेट करेंगे कि ये मिक्सअप हो जाए दोनों चीनी और पानी, और साथ में हमें इसकी जो चाशनी है उसको थोड़ा सा पकाना है। ये बॉईल होना शुरू हो गई है तो अब इसमें से चेक कर लेते हैं। एक्चुअली हमें ना ये चाशनी किसी तार की नहीं चाहिए, पर ये थोड़ी सी ना चिपचिपी हो जानी चाहिए। अभी राइट नाउ तो ये रेडी नहीं है तो मैं थोड़ा और इसे पकाऊंगी और फिर मैं इसे दोबारा चेक करूंगी। अगर ये मुझे थोड़ी चिपचिपी सी फील होगी तभी मेरी चाशनी रेडी होगी। तो करते हैं रेडी अपनी चाशनी, और ये मुझे लग रहा है हाँ अभी ये थोड़ा सा ना चिपचिप सी चिपक रही है हाथ। तो जब भी आपको फील हो ये चिपचिपी सी हो गई है तो आप गैस ऑफ कर दीजिए। हमें इसमें कोई तार नहीं बनानी है, तार बन गई तो ये गाढ़ी हो जाएगी और हमारे गुलाब जामुन एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। अब मैं थोड़ा सा चेक कर लेती हूँ डालकर कि हाँ हमारा तेल गर्म हो गया है या नहीं। तो हाँ मुझे दिख रहा है कि तेल गर्म हो गया है। हमें एक्चुअली इसको ना बहुत तेज़ आँच पर फ्राई नहीं करना, बहुत इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। तेज़ पर करेंगे तो एकदम से ये जल जाएंगे। तो अभी मैं दो डाल के थोड़ा चेक कर लेती हूँ, अगर मेरा ये ठीक से है तो मैं बाकी के भी इसमें डाल देती हूँ बॉल्स। हाँ अभी मेरा लग रहा है मुझे कि ये ठीक गरम हो गया है तेल और परफेक्ट है हमारे गुलाब जामुन को तलने के लिए। तो आप अपने सारे गुलाब जामुन डाल दीजिए इसमें। ये एक्चुअली प्रॉब्लम देखिए, आपने देखा ना इसमें कि एक जगह एक निशान आ गया। एक्चुअली मैं डालने की वजह से कि मैं इसमें बॉल्स को डाल दूं, इस वजह से मैंने थोड़ा टाइम दे दिया जिसकी वजह से ये निशान बन गए इसमें। तो अगर आप डालते इसको चलाने लगेंगे ना साथ ही साथ इसको थोड़ा सा चलाना है, घी को थोड़ा सा चलाना है ताकि ना ये नीचे से टच ना हो और ये जले ना। अगर ये नीचे से टच होंगे तो ऐसे इसमें निशान पड़ जाएंगे, वो बाद में अच्छे नहीं लगते हैं। तो मेरे दो गुलाब जामुन में तो ये पड़ चुके हैं और मैं बाकी में कोशिश कर रही हूँ कि ये ना पड़े। थोड़ा सा प्रिकॉशंस लेके ध्यान से इसको करना है, तेल एक्चुअली गर्म होता है आपके ऊपर भी ना गिरे। और हमारे गुलाब जामुन अच्छे से ये देखिए लाइट ब्राउन हो गए हैं कुछ गुलाब जामुन। और हमें ये एक्चुअली टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप ये बिल्कुल ब्लैक करना चाहते हैं या इनको मीडियम थोड़ा सा हल्का ब्राउन रखना चाहते हैं, ये डिपेंड करता है आपके अपने टेस्ट के ऊपर। और अच्छे से इसे फ्राई करेंगे, थोड़ा टाइम देना होगा हमको इसमें क्योंकि हम मीडियम या स्लो फ्लेम पे कर रहे हैं इसको, तो ये टाइम कंज्यूम करेगा हल्का सा। फास्ट होगा तो ये जल जाएगा और टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह जब इनका कलर हल्का सा लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाता है तो आप इसे निकाल लीजिए। आप अपने अकॉर्डिंग इसको डार्क कलर भी कर सकते हैं, अगर आपको बिल्कुल काला जामुन बनाना है तो बिल्कुल काला कर दीजिए इसे। अब हम अपनी चाशनी जो हमने रेडी की थी उसमें इन गुलाब जामुन को जो हमने अभी तले हैं इनको हम डिप करेंगे। मैं कोशिश करती हूँ कि गरम चाशनी ही हो, मतलब ज़्यादा गरम नहीं, बिल्कुल उबलती हुई नहीं चाहिए, इसी तरह गरम हो और उसमें गरम गरम गुलाब जामुन ही डाले जाएं क्योंकि ये अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेते हैं चाशनी को। और अपने जितने भी मैंने अभी बॉल्स बनाए थे वो सब मैं इसमें ट्रांसफ़र कर रही हूँ। और बहुत स्लोली डालना है इसमें, जल्दबाजी नहीं करनी है वरना ये टूट जाते हैं। तो धीरे धीरे एक एक दो दो डालेंगे ताकि हमारे सारे गुलाब जामुन परफेक्ट रहें। और जब ये हो जाए तो थोड़ा सा इन्हें प्रेस कर दीजिए ताकि सारे के सारे गुलाब जामुन चाशनी में डूब जाएं। और मैं एक इसको लिड से ढक कर रख देना है, कम से कम 2-3 घंटे या 4 घंटे आप इसे चाशनी में रखिए और देखिए ये बड़े हो जाते हैं साइज़ में, अब्सॉर्ब कर लेते हैं चाशनी और वाकई में ये बहुत टेस्टी बने हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।